नमस्कार दोस्तों, मौत के बाद मेरे साथ क्या हुआ इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है वो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी के किताब से ली गई है। आज की जो कहानी के जो पात्र है उनको उनका नाम बदला गया है, मैंने उनका नाम डैनियल ऐसा लिखा है। और जो डैनियल की कहानी है वो बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती है कि ज़िंदगी कैसी होती है, या फिर हमारे जो करीबी संबंध होते हैं किसी से तो वो किस तरह से होते हैं, या हम पृथ्वी पर या फिर आत्मलोक में। ये जो कहानी है वो बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाने वाली है। मैं इसे यही ये कहूँगा कि आपसे ये सारी चीज़ें आप पूरी तरह से गंभीरता से लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो शुरुआत में जो डैनियल है उसकी पहले की कहानी तो नहीं बताई गई है इस किताब में कि किस तरह से वो इस दुनिया से चला गया। डायरेक्टली आत्मलोक में ही ये शुरू होती है। डॉक्टर जी ने उनसे ये पूछा कि डैनियल अब तुम ऊपर ऊपर जा रहे हो आत्मलोक में, तुम कैसा अनुभव कर रहे हो। डैनियल ने यही कहा कि मैं शरीर से मुक्त होकर अब अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा मैं कहते ना सुकून महसूस कर रहा हूँ और शांति भी महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही खुश हूँ मैं ऐसे वक्त में और मुझे अपने करीबी कुछ लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले डैनियल को जो मिलने के लिए आई वो है एक लड़की और वो उसके एक अच्छी दोस्त है और उसका नाम मैंने रखा है ओलिविया। ओलिविया डैनियल की सबसे करीबी कहते हैं ना कि सोलमेट हम उसे कह सकते हैं, सबसे करीबी आत्मा है और डैनियल भी उससे बहुत ही प्यार करता है और वो दोनों एक अच्छे कहते हैं ना कि दोस्त है। जब ओलिविया उसके सामने आई तब डॉक्टर जी ने उनसे पूछा कि वो उसका रूप किस तरह से है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि समझो मैं इस दुनिया से चला जाऊँ और मेरा कोई करीबी हो तो वो किस रूप से मेरे सामने आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि बहुत बार हम सो देखते हैं ना कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता। डैनियल ने एक बात कही है महत्वपूर्ण। क्या कहा है उसने? वो कहा कहता है कि हमारे मन में जैसी छवि उसके लिए होती है, मतलब मेरे मन में अगर किसी को मैं ऐसे रूप में देखना चाहता हूँ या फिर ऐसे रूप में देखना समझो पसंद करता हूँ तो उनको वो लोग वैसा ही रूप लेकर हमारे सामने आते हैं और वैसे ही उन लोगों के साथ उनकी मुलाकात होती है। ये सिर्फ डैनियल के लिए नहीं है, ये ओलिविया के लिए भी है। ओलिविया जैसे डैनियल को देखना चाहती है वैसा ही डैनियल उसके सामने आएगा। तो आप यही कहेंगे कि इन लोगों को कैसे पता चलता है? आत्मा को दूसरे के अंदर की भावना पूरी तरह से पता चलती है और ये ऐसी चीज़ है कि वो बहुत फिल्मों में आपने जैसे देखा होगा ना कि रूप बदलते हैं, मतलब कोई चिपकली बना, कोई तोता बना और बाद में इंसान बना, ये अपने आप इन सारी चीज़ों को ढाल लेते हैं। इसलिए इसमें बहुत ही सोच विचार करने की कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। मतलब ओलिविया और डैनियल का जो डैनियल ने अपने बारे में कहा है, डॉक्टर जी ने उनसे पूछा है कि तुम्हारा और ओलिविया का जो भी संबंध है वो किस तरह का रहा है, क्या वो पृथ्वी पर भी अच्छा था। डैनियल ने ये कहा कि जो ओलिविया है वो बहुत ही अच्छे उसके साथ संबंध थे और उन दोनों ने भी बहुत एक दूसरे के साथ बहुत ही जन्म लिए थे और बहुत ही अच्छे जन्म जिए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो जो ओलिविया थी वो ज़िंदगी के कहते ना कि मायने या फिर ज़िंदगी के जो नियम हैं उन सारी चीज़ों को थोड़े से अच्छे से समझ पाई और अपने आप में अच्छे बदलाव करने की कोशिश की उसने। मतलब डैनियल से थोड़ा सा वो थोड़ा सा उच्च प्रति की आत्मा थी और लेकिन उसने डैनियल को नहीं छोड़ा, वो अभी भी उसका अच्छा दोस्त है और वो उन दोनों ने बहुत ही अच्छे जन्म लिए थे एक दूसरे के साथ। तब डॉक्टर जी ने उसको एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि अगर नए नए जन्मों में तुम एक दूसरे से समझो मिले तो तुम कैसे पहचानते हो एक दूसरे को? आत्मलोक में पहचानना बहुत ही मुश्किल नहीं होता। मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि समझो मैं इस दुनिया से अभी चला जाऊँ तो और मेरा कोई करीबी आत्मा वहाँ पे आता है, तब जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तब हमारे दोनों को, मतलब हमारे जो पहले जन्म हैं हमने जिस तरह से जन्म बिताए होंगे वो याद आने लगेंगे या फिर याद सामने हमारे होंगे वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर पृथ्वी की हम बात करें तो ये सारी चीज़ें वैसे नहीं घटित होती, पृथ्वी पर ये सारी चीज़ें वैसे नहीं होती। पृथ्वी पर अगर मेरा कोई दोस्त मुझे मिल जाए स्कूल का वगैरह तो हम दोनों में पहले कोई रिश्ता था क्या वगैरह, या फिर पहले जन्म में हम एक दूसरे के दोस्त थे या फिर कोई और रिलेशन में थे, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर असंभव है समझना। तो डैनियल ने एक बात कही है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है और बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें सच लग सकती है। देखिए डैनियल ने क्या कहा कि जब हम एक दूसरे के आँखों में देखते हैं, डॉक्टर बायनविच जी की किताब में भी मैंने ये बहुत बार पढ़ा है, जब ऐसे लोग जो सोलमेट वगैरह होते हैं, जो जन्म जन्म का जिनका रिश्ता होता है, ज़्यादातर को मैंने ये देखा है कि पति पत्नी का ऐसा होता है, जब पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के जब आँखों में देखते हैं तब इनके अंदर से ही कुछ ऐसी भावना आ जाती है कि ये मेरा पहले का कोई है, या फिर एक अंदर से ही उनका कहते ना कि अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, आकर्षण कि एक दूसरे से वो प्यार करे या फिर एक दूसरे के साथ शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी दोनों मिलकर बिताए। ये सारी चीज़ें ऐसी घटित होती है, मतलब एक ऐसा आकर्षण उनके अंदर होता है कि वो एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते, या फिर अगर उनके मिलना तय है इस दुनिया में उस जन्म के लिए तो किसी ना किसी रूप से घटित ही हो जाएगा।
बाद में उसने रंग की भी बात की है। रंग जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पृथ्वी पर भी आपको पता होगा कि अगर किसी को काले झंडे दिखाए तो वो बहुत ही बुरा माना जाता है। सफ़ेद झंडे को हम शांति का वगैरह प्रतीक मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो आत्मलोक में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वहाँ पर कोई झंडा वगैरह तो नहीं दिखाता। आत्मलोक में क्या होता है कि हम रंग का प्रदर्शन कर सकते हैं दूसरे के सामने। तो दूसरे को अगर द्वेष वगैरह दिखाना हो तो हम काले रंग का प्रदर्शन करते हैं क्या? ये ज़रा भी ऐसी बातें नहीं है। आत्मलोक में ऐसी दुश्मनी वगैरह की चीज़ वगैरह ज़रा भी नहीं होती। अगर ऐसी होती तो आत्मा का एक गुट दूसरे से वगैरह युद्ध करता, लेकिन ऐसा ज़रा भी नहीं है। जो भी मैंने पहले भी कहा है, दुश्मनी, राग, द्वेष या फिर जो भी बुरी भावनाएँ हैं, काम, क्रोध, लोभ वगैरह, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही है। और अगर आत्मलोक में ये है भी तो वो पहले तीन लोकों में शायद होगी, तीसरे लोक में थोड़ी बहुत होगी, लेकिन वहाँ पर भय भी, वो भी बुराई आत्मलोक है। पहले दो लोकों में भी ऐसी चीज़ें होती है, मतलब युद्ध वगैरह तो नहीं, लेकिन एक दूसरे के प्रति बुरी भावना वगैरह ऐसी चीज़ें तो होती ही है। लेकिन अगर उसके ऊपर जाए, चौथे लोक से अगर हम सातवें लोक तक बढ़े, तो ये सारी भी चीज़ें ज़रा भी नहीं होती। पृथ्वी पर ही ऐसी आत्माओं को दुख का वगैरह सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसी आत्माएँ आत्मलोक में बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रही होती है। तो जो डैनियल ने कहा है रंगों की बात, वो कैसे रंग? देखिए, अगर मुझसे कोई अपना दोस्त मिलने आए तो मेरे अंदर से कुछ रंग उसको दिखने लगेंगे, मतलब कुछ हरा रंग, नीला रंग, जैसे ये सारे रंग जो होते हैं वो किसी चीज़ का प्रतीक होते हैं कि मैं तुम पर दया करता हूँ, या फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें ऐसी होती है, मतलब इनके अंदर जो भावना होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और इसी तरह से वो रंगों का उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन होता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि टेलीपैथी से ये सारे संदेश प्राप्त होते हैं। मैं टेलीपैथी पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा जाते जाते बोलता हूँ कि टेलीपैथी मतलब दो अगर लोग मिले एक दूसरे के साथ, मतलब अगर दो आत्माएं एक दूसरे के साथ मिली तो वो शब्दों में नहीं बात करते, जैसे हम शब्दों में बात करते हैं वैसे वो शब्दों में नहीं, टेलीपैथी के संदेश द्वारा बात करती है। एक ऊर्जा का लेना देना होता है, मतलब ऊर्जा मतलब कैसे होता है मालूम है कि एक कुछ ऐसे चित्र मुझे उसके मन में नज़र आ सकते हैं, या फिर वो ऐसे मेरे मन में कुछ ऐसे चित्र डालेगा जिससे उसको मुझे क्या कहना है ये मैं आराम से समझ सकता हूँ। ये इतने कहते ना कि स्पष्ट संदेश होते हैं कि क्या क्या, जैसे हम कहते ना पृथ्वी पर क्या कहा आपने, ऐसे नहीं होते, हम पूरी तरह से उसे आराम से, बहुत ही आराम से ग्रहण कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। तब डॉक्टर जी ने उनसे कहा कि जो ओलिविया है वो तुमको जो भी चीज़ें बता रही है समझो। और उसने, डैनियल ने ये भी कहा कि मुझे मेरे और भी कुछ परिचित लोग थे वो भी यहाँ पे है, और मैं और ओलिविया अभी एक दूसरे से मिल रहे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये अगर समझो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर आत्मलोक में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है, दोनों एक साथ बिता रहे हैं एक दोस्त की तरह, तो उन दोनों की ऐसी भी चीज़ें होंगी जो वो अपने साथ ही, मतलब कहते ना प्राइवेट चीज़ें, मतलब कहते ना कि आजकल हम जैसे दोस्त दो बोलते हैं तो वो नहीं चाहते कि कोई और उनकी बात सुने, क्योंकि वो बहुत ही सीक्रेट, ज़बरदस्त सीक्रेट होती है कभी कभी लोगों की बातें तो ऐसी चीज़ें हैं। तो जब अगर दोस्त समझो कुछ बोले, तो उन्होंने यही कहा है कि अगर तुम ओलिविया से बोल रहे हो तो अगर टेलीपैथी से तुम बोल रहे हो तो वो संदेश और भी किसी को मन में आते होंगे। तो उन्होंने ये कहा कि तुमने बराबर कहा, लेकिन यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें हैं प्राइवेसी नाम की। मतलब मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा था कि अगर किसी का एक सीखने का कक्ष हो, मैंने आपसे कहा था ना कि एक ऐसा कक्ष होता है आत्मलोक में हमारा खुद का एक कहते हैं ना कि ऑफिस जैसा होता है, ऑफिस का दफ्तर जैसे, एक अलग केबिन जैसे होता है, वैसा अगर हमारा खुद का वहाँ पे अगर हमारे अंदर की कोई चीज़ें हो, मतलब हमारी कोई पर्सनल चीज़ें हो, तो उसको कोई और नहीं देख सकता। ये सारी चीज़ें इसी तरह से घटित होती है, और इस वजह से होता है कि उन सारी चीज़ों को कोई दूसरा नहीं देख पाता, क्योंकि उसको उसकी अनुमति नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे आत्माओं को भी अनुमति दी जाती है, क्यों? क्योंकि ऐसे इंसान के जीवन में आकर उसको अगर कुछ वो संवारने की कोशिश करे पृथ्वी पर, तो ऐसे लोगों के भी, उसके करीबी लोगों को अनुमति दी जा सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो भी कौन सी चीज़ें देखेंगे या फिर किस चीज़ पर अभ्यास करेंगे इसकी भी मर्यादा होती है, उसके मर्यादा के बाहर वो नहीं देख सकते। तो क्या होता है, डैनियल ने क्या कहा कि मैं जो ओलिविया से बात कर रहा हूँ वो सिर्फ उसे ही समझ सकती है, मैं जिन चीज़ों को दूसरों को दर्शा चाहता हूँ। समझो ओलिविया किसने पूछा कि तुम कैसी हो, तो वो कहेगी समझो अच्छी है, तो इस बात को वो छुपाना नहीं चाहेगा, तो ये बात और लोगों की भी पता चलेगी। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे संबंध होते हैं ऊपर, और इस वजह से वो सारी चीज़ें ऐसे घटित होती है। मतलब अगर टेलीपैथी से भी हम एक दूसरे से समझो बात कर रहे हो तो वो चौथे इंसान को समझ में आएगी ही, ऐसा नहीं है। वो उन दोनों पर निर्भर है कि वह चीज़ दूसरे को समझाना चाहते हैं या फिर नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि
जो पहलू होते हैं, मतलब इंसान के जो पहलू होते हैं जीवन में, उसकी तरह से उसे महत्वपूर्ण ये है कि वो किस तरह से उन सारी चीज़ों को देखता है, उस इंसान को। मतलब जीवन में मैं समझो इस जन्म में आया तो मैं अपने माँ बाप के साथ किस तरह से रिश्ते रखता हूँ, उनके किस तरह से देखभाल करने की कोशिश करता हूँ, या फिर उनका किस तरह से विचार करता हूँ अपनी ज़िंदगी में। समझो कोई आपका दोस्त है, उसके साथ आप कैसे रहते हैं, आपके कोई परिवार के हिस्से हैं तो उनके साथ कैसे रहते हैं, कोई आपकी पत्नी है, पति है या फिर बच्चे हैं, उनके साथ आप किस तरह से रहते हैं और किस तरह से वो रिश्ता निभाते हैं। रिश्ता निभाने को भी बहुत ही महत्व दिया जाता है। मैं ऐसे लोगों को ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ लोग मैं देखता हूँ कि किसी के साथ वो बहुत ही अच्छे होते हैं तो दूसरे के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने दूसरे ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है तो पता है कि वो ठीक से उसके साथ बर्ताव नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ मुझे वो अच्छा नहीं लगता इस वजह से ऐसा ना करे। ये सारी जो चीज़ें होती है वो बहुत ही अलग ढंग हमारे सामने कल ला सकती है। उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ कि समझो किसी को दो बहनें हैं और एक समझो बहन अमीर है और एक गरीब है। जो अमीर बहन है वो ऐसे इंसान के लिए कुछ उसको चैन करती है, सोने की कुछ घड़ी वगैरह भेजती है, तो ये इंसान उसके लिए बहुत ही कुछ काम कर रहा है वगैरह, उसका कोई छोटा मोटा काम हो तो उसके लिए मदद कर रहा है समझो। लेकिन जो गरीब बहन है उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही। ये सोच जो है वो बहुत ही गलत है। अगर ऐसे इंसान को अगर उसके गरीब बहन ने कुछ काम कहा तो उसके वो भी एक कर्तव्य समझकर करना होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये छोटी सी चीज़ लग सकती है किसी को या फिर ठीक है जाने दो वगैरह, लेकिन ये ऐसी छोटी सी चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें कल ऐसी समझ आएगी कि आप गरीब होंगे और आप किसी की मदद के लिए पुकारेंगे और आपको कोई मदद नहीं करेगा, या फिर मैंने अगर किसी के साथ ऐसा किया तो अगले जन्म में हो सकता है कि मैं ही गरीब हो जाऊँगा, मेरी कोई और बहन होगी वो अमीर होगी और मेरा कोई और भाई होगा वो उसके साथ अच्छा उसके साथ संबंध होगा या फिर उसका कोई काम करेगा लेकिन मेरा कोई काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें ऐसे ही सामने आएगी। मैं फिर से कहता हूँ कि हम जो बोते हैं वही हमारे सामने आएगा। अगर हम करेले का झाड़ लगाए तो उसमें कहते ना कि आम वगैरह तो ज़रा भी नहीं आएंगे। इस वजह से हमें कर्म करते समय बहुत ही ज़्यादा सोचना होगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी ही होगी। अगर कोई हमारे लिए करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं करता और उसको अगर हमारी ज़रूरत है तो हमें जितना हो सके उसकी मदद करने की कोशिश करनी होगी। जीवन का उत्थान या फिर इस तरह से ये चीज़ें जो हमारी चीज़ें चलती है वो ऐसे ही होती है। मुझे लगता है कि ओलिविया इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझ पाई, डैनियल को थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो जितना अच्छा आप ग्रहण करेंगे या फिर जितना जल्दी ग्रहण करके इन सारी चीज़ों पर अमल करेंगे ये सारी चीज़ें उतनी ही आपको आसान लगने लगेगी। मैं सच कहता हूँ थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन धीरे धीरे अपने मन को ये सारी चीज़ों की आदत हो सकती है। तो डैनियल की कहानी हमें यही सिखाती है कि संबंध किस तरह से रखने चाहिए। हमारे करीबी हमसे कभी भी नहीं बिछड़ते, क्योंकि उसके साथ डैनियल कि ओलिविया के साथ बहुत ही जीवन उसने बिताए थे और उसके जो करीबी थे वो भी उसको बहुत ही प्यार करते थे। तो आज की कहानी हमें यही सिखाती है बार बार कि आप संबंधों पे थोड़ा सा ध्यान दो। कभी भी एक से किसी को फ़ायदा हो तो उसको ही पूछो, बाकी वालों को ज़रा भी सम्मान ना दो, ऐसा ना करे। अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करे। दुनिया में हमें कोई भी बुरा ना कहे, यही आप प्रार्थना करना कि मुझे कोई भी बुरा ना कहे और मैं मुझे कोई बुरा कहे ऐसा कोई काम मुझसे ना हो, इस तरह से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो भी अच्छा है। तो मैं आपसे यही विनंती करूँगा कि आप इन सारी चीज़ों पर अमल करने की थोड़ी बहुत तो कोशिश कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में अगर किसी बात को मैं ठीक से नहीं समझा पाया तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखना, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।